तो आई थिंक दैट कैन बी एन ऑप्शन प्रोवाइडेड टू यू कि यार आप या तो घर से पेपर दे दीजिए अगर आपको लगता है कि आप बाहर नहीं जा सकते, और अगर आप चाहते हो, आपको लगता है कि ठीक है हमारे पास फैसिलिटी नहीं है बट हम बाहर जाके पेपर दे सकते हैं, तो आप बाहर जाके एग्जाम सेंटर पर भी पेपर दे सकते हैं। नमस्ते दोस्तों। तो दोस्तों आज बेसिकली मैं आपको अपने कुछ स्पेकुलेशंस और ओपिनियंस बताने वाला हूँ रिलेटेड टू बिटसैट, कि बिटसैट किस तरीके से हो सकता है कंडक्ट। बेसिकली तीन चीज़ें हैं, ठीक है, तो हम इन तीनों पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि कौन सी चीज़ के होने के चांस जो हैं सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, सो चलिए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ जो कि हो सकती है वो था कैंसिलेशन ऑफ एग्ज़ाम, विच आई डोंट थिंक नाउ कि कैंसिल होने के चांस हैं थोड़े से भी, क्योंकि हमने यार देखा है कि मणिपाल यूनिवर्सिटी ने अपना MET एग्ज़ाम जो था एंट्रेंस टेस्ट उसकी डेट्स निकाल दी हैं, एंड वो जो एग्ज़ाम है अब ऑनलाइन होगा थ्रू योर होम्स। मतलब आपको कहीं बाहर टेस्ट सेंटर पे नहीं जाना, आपको अपने घर पर बैठे बैठे ही एग्ज़ाम देना है। उससे कुछ स्पेसिफिकेशंस वगैरह रिलीज़ हुए हैं जो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव सीन इफ़ यू आर गिविंग दी एग्ज़ाम। तो पहली पॉसिबिलिटी जो थी कैंसिलेशन की, दैट आई थिंक कैन टोटली बी एलिमिनेटेड फ्रॉम दिस स्टेज नाउ। दूसरी चीज़, बिट्स पिलानी यार सेम चीज़ कर सकता है जो कि मणिपाल ने करी है इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिंग द एग्जाम थ्रू योर होम्स, एंड आई थिंक बाय दिस एंड ऑफ मंथ यानी बाय द एंड ऑफ जुलाई हमारे पास कुछ कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन होगी, कोई नोटिफिकेशन डेफिनेटली होगा कि बिटसैट कैसे कंडक्ट होने वाला है और कब कंडक्ट होने वाला है। परहैप्स बिट्स पिलानी इज ट्राइंग टू ऑब्जर्व द प्रॉब्लम्स, द चैलेंजेस एंड वॉट आर द यू कैन से प्लस पॉइंट्स ऑफ द एग्जाम कंडक्टिंग थ्रू होम। हो सकता है, अब जैसे आप लोग जानते हैं मणिपाल का जो टेस्ट है दैट इज़ गोइंग टू बी कंडक्टेड फ्रॉम 1st to 14th of August, दो दिन बाद ही उसके रिजल्ट्स भी आ जाएंगे और फिर अगले दो दिन के बाद उसके काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। 1st से 12th of August तक एग्जाम होगा, राइट। तो हो सकता है कि जो हमारा बिट्स पिलानी है दैट शेड्यूल्स द एग्जाम ऑफ बिटसैट इन द लेटर हाफ ऑफ ऑगस्ट, ताकि मणिपाल के साथ एक तो कोलाइड नहीं करेगा, कोइंसाइड नहीं करेगा, दूसरा एक नॉलेज होगी बच्चे को बिटसैट में बैठने के टाइम पे, एक एक्सपीरियंस होगा MET के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यार कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो बिट्स पिलानी के लिए फिर रिलेटिवली ईजियर होगा। जो शुरू के 14-15 दिन है उसमें ऐसा हो सकता है कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे एग्जाम स्लॉट बुकिंग है, हमारा प्रेफरेंस फिलिंग है जो कि काउंसलिंग का बेसिकली फर्स्ट स्टेप होता है, ये सारी चीज़ें एक बार आपसे वो लोग करवा लें कंप्लीट। ठीक है, अब तो चलो बोर्ड से रिजल्ट भी आ गए, तो हो सकता है आपकी जो बोर्ड की मार्कशीट है उसको भी वो सीन में लाएँ और उसको भी आपको अपलोड करना पड़े बिफोर प्रोसीडिंग फॉर योर एग्जाम। ठीक है, तो एक चीज़ तो यार ये हो सकती है कि जेई मेन्स के पहले हमारा बिटसैट का एग्जाम हो जाए इन द सेम वे जैसे मणिपाल इंजीनियरिंग टेस्ट हो रहा है घर से, या फिर कुछ और एग्जाम्स हो रहे हैं। तो एक चीज़ तो यार देखो ये है, इसमें अब ये वाला फैक्टर भी ज़रूर आएगा कि जो हमारे बोर्ड के नंबर हैं उसका कुछ सर्टेन परसेंटेज फिर काउंट होगा इन योर रिजल्ट और उसके बेस पर हमें एडमिशन मिलेगा, तो ये एक चीज़ अकाउंट में आ सकती है। दूसरी बड़ी चीज़ जो ये है वो यार ये है कि जैसे पहला शेड्यूल था कि जेई मेन्स के बाद बिटसैट होना था, अप्रैल से जब जुलाई में शिफ्ट हुआ तो भी हमारा यही था कि फ्रॉम 6th August वी वुड बी हैविंग बिटसैट, अब इसको और आगे पोस्टपोन कर दिया गया है, तो देयर आर चांसेस कि अगर जेई मेन्स सक्सेसफुली हो पाता है 1st of September से, तो फिर हो सकता है कि बिटसैट ऑफलाइन मोड में, ऑफलाइन मोड बेसिकली ऑनलाइन मोड में आपको एग्जाम सेंटर पर बुलाकर भी टेस्ट कंडक्ट करवा लें, उसके भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। बट सबसे बड़ी अनसर्टेनिटी यार दोस्तों ये है, यहाँ पे हमें भी पता नहीं है कि जेई मेन्स 1st of September से कंडक्ट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बिकॉज वी सी दैट देर आर अ लॉट ऑफ केसेज, इंक्रीमेंट काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रहा है कोविड के केसेज में, और जो रीज़न पहले देकर के पोस्टपोन किया गया था एग्ज़ाम को, बेसिकली रीज़न ये था कि जब इतने सारे केसेज प्रेजेंट हैं हमारे कंट्री में, सो इट इज़ नॉट फिजिबल ऑन द पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स टू कॉम्प्रोमाइज देयर हेल्थ जस्ट फॉर द गिविंग ऑफ एंट्रेंस एग्जाम फॉर यूनिवर्सिटीज। तो अगर उस सेम पॉइंट को ध्यान में रख के हम लोग आगे की बात करें तो डेफिनेटली यार 1st of September तक जब हमारे पास और ज़्यादा केसेस होंगे, 2 मिलियन आराम से क्रॉस हो चुका होगा, अभी हमने 10 लाख क्रॉस करें तब तक 20 लाख क्रॉस हो चुके होंगे अकॉर्डिंग टू अ सर्वे एंड रिपोर्ट, डेफिनेटली इस पॉइंट को ध्यान में रख के तो एग्जाम नहीं करा सकते, सो जेई मेन्स को फिर से पोस्टपोन करना पड़ेगा। बट अगर परसिस्ट करता है कि भाई एग्जाम होगा, कराना है, एंड जैसा हम लोगों ने देखा कि NTA जो है हम अपने सेंटर्स को भी बढ़ाता जा रहा है,
तो अगर एग्जाम हो पाया 1st of September से, देन चांसेस काफी ज्यादा हैं कि भाई बिटसाइट भी हमारा हो जाएगा जस्ट आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ जेई मेंस। अब यहाँ पे जो मुझे लग रहा है पर्सनली, अगर आप मेरी बात सुनो तो मैं तो यार ये कहूँगा कि हो सकता है ये चीज़ हो कि आप लोगों को ऑप्शन दे दिया जाए कि या तो आप लोग होम बेस्ड टेस्ट दे दो, कि आप घर से बैठे बैठे टेस्ट दे दो, जिसकी डेट मेरे हिसाब से जेई मेंस के पहले होगी, या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास ये हो सकता है कि आप जेई मेंस के ख़त्म होने के बाद में, या फिर जो भी डेट्स बेसिकली सेलेक्ट होके फाइनल होके आएंगी, उन डेट्स को टेस्ट सेंटर पर जा करके एग्जाम दे दो। तो ये दोनों चीज़ों का मुझे लग रहा है आपको ऑप्शन मिल सकता है, क्योंकि ये फिर बेस्ट चीज़ होगी, क्योंकि सबके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है कि वो घर पर बैठ के एग्जाम दें। तो आई थिंक दैट कैन बी एन ऑप्शन प्रोवाइडेड टू यू कि यार आप या तो घर से पेपर दे दीजिए अगर आपको लगता है कि आप बाहर नहीं जा सकते, और अगर आप चाहते हो, आपको लगता है कि ठीक है हमारे पास फैसिलिटी नहीं है बट हम बाहर जाके पेपर दे सकते हैं, तो आप बाहर जाके एग्जाम सेंटर पर भी पेपर दे सकते हैं। मेरे पर्सनल ओपिनियन ये है कि हो सकता है आपको ये दोनों ऑप्शंस प्रोवाइड करे जाए, बट जिस चीज़ का हमें ध्यान रखना है वो यार ये है कि अगर ऐसा कोई नोटिफिकेशन आता है अगले आने वाले 10 से 15 दिनों में कि हमारा लेटर हाफ ऑफ ऑगस्ट में बिटसैट कंडक्ट होने वाला है थ्रू होम्स, तो पहली बात तो हमें उसकी प्रेपरेशन करके चलना होगा। हम ऐसे नहीं कर सकते कि यार हमने सोचा था कि जेई मेंस के बाद में होगा एग्जाम बट पहले हो गया, दैट्स व्हाई वी आर नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड, ऐसा कुछ चीज़ें नहीं बोल सकते। दीज वुड बी जस्ट एक्सक्यूजेज एट दोस पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? तो प्रेपरेशन यार करते रहो, बिटसैट हो रहा है, दिस इज द बेस्ट थिंग, क्योंकि अगर बिटसैट कैंसिल हो जाता तो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ बिटसैट को टारगेट किया था, जेई मेंस पे वो जा ही नहीं रहते, क्योंकि जेई मेंस का लेवल थोड़ा सा ऊपर है। तो अगर जिन्होंने सिर्फ बिटसैट पर फोकस करा है, वो बिटसैट हो रहा है, तो वो तो यार सबसे बेस्ट चीज़ है। अब ये आपके ऊपर है कि आप कैसे अगले एक महीने का बेनिफिट निकाल सकते हो, राइट? तो प्रिपरेशन को यार मैं ये बोलूँगा कि अब एक स्पीड दे दो। आज 19-20 जुलाई है जब ये वीडियो अपलोड होने वाली है, ठीक है? तो हमारे पास मोटा मोटा 20 से 25 दिन हम मिनिमम मान के चले, तो 25 दिन है। अगर मैं 15 अगस्त को टारगेट लेके चलता हूँ, कोशिश करो दैट यू आर एबल टू कम्प्लीट आवर सिलेबस बाय 15th of August। अगर एग्जाम बाद में भी होता है, स्टिल वी कैन पुट आर एक्स्ट्रा टाइम इन टू द रिविजन एंड इन टू द प्रैक्टिस ऑफ प्रॉब्लम्स, बट कोशिश करो 15th of August तक हमारी प्रिपरेशन हम स्पीडीली और प्रॉपरली कंप्लीट कर लें, ठीक है? चांसेस हैं यार कि 15th of August के बाद हमारा होम बेस्ड एग्जाम कंडक्ट हो जाए बिटसैट का बिफोर जेई मेंस, ये भी चांसेस हैं। ऐसे नहीं बोल सकते कि 0% है, तो यार अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना। एंड अगर आपको कोई भी कॉन्टेंट चाहिए रिलेटेड टू बिटसैट, किसी भी सब्जेक्ट की प्रेपरेशन कैसे करनी है, लॉजिकल रीजनिंग इंग्लिश कैसे करना है, बोनस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं कि नहीं करने, टॉपर्स के आपको इंटरव्यू देखने, स्ट्रैटेजी क्या रखनी है, एग्जाम स्ट्रैटेजी, पहले कौन सा सब्जेक्ट अटेम्प्ट करना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है पेपर में, सबकी वीडियोज अवेलेबल है मेरे चैनल पे। एक बार आप विजिट कर लेना, वीडियोज वाला सेक्शन आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर चैनल पे आपको ना मिले तो आप यूट्यूब पे सर्च करके भी देख लेना, बिटसैट इंग्लिश, बिटसैट लॉजिकल रीजनिंग एंड सो ऑन, आपको सारी चीज़ें टॉप रिजल्ट्स में मिल जाएंगी, ठीक है? तो चलिए यार वीडियो को एंड करते हैं, एंड शेयर करो वीडियो को, लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि आपका क्या मानना है कि कब हो सकता है एग्जाम और किस मीडियम से होगा एग्जाम, क्या घर पे बैठ के होगा या फिर एग्जाम सेंटर से जाना पड़ेगा, आपको क्या लगता है कमेंट में मुझे लिख के बताओ। लाइक करना मत भूलना वीडियो को, एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल सब्सक्राइब इट, प्रेस द बेल आइकन, एंड स्टे होम, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, कीप प्रिपेयरिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।